आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। निवेदिता आप बताइए आपके सॉन्ग के बारे में, आपका अलग अलग लुक देखने मिला है हमें, कहाँ शुरू किया गया है, कैसे लुक देता? ये सॉन्ग जो है वो हम लोगों ने चंडीगढ़ में शूट किया था और ये 3-4 months ऑलरेडी हो गए। और हम लोग का मतलब था कि 1-2 महीने पहले मतलब रिलीज़ करना था, लेकिन सर के ऑलरेडी बैक टू बैक कुछ शूट वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से ये टाइम पे ऑलरेडी उन्होंने रिलीज़ किया। और अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सॉन्ग किए वो इमोशनल सैड सॉन्ग रोमांटिक ऐसे किए, बट ये थोड़ा सा मेरे लिए हटके है, तो मेरे लिए और मुझे भी एक्चुअली अपना थोड़ा लुक भी थोड़ा चेंज देखने को मिला, तो मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कि काफ़ी समय पहले ये सॉन्ग शूट कर दिया गया, एक्चुअली हम लोग जो सॉन्ग बनाते हैं स्टेटेड रिलीज होता है उसका, हम लोग प्लान करके रिलीज करते हैं हर महीने का, तो दिस सॉन्ग वॉज प्लान फॉर रिलीज ऑन फेब्रुअरी। क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग जब आप इतने सारे शूट करते हो तो हर एक का एक ये रहता है कि अगर पहले हमने रोमांटिक सॉन्ग शूट किया है या रिलीज़ किया है तो थोड़ा सा ब्रेक देके फिर ऐसा कोई चेंज, मतलब हर बार वो चेंज कर करके शूट रिलीज़ करने का इनका प्लान था, इस वजह से मेरा जो नंबर था वो अभी आया। फिल्म म्यूजिक वीडियो में तो हमने आपको देखा ही है, अभी और भी क्या कुछ आपने सोचा है, वेब सीरीज़, मूवीज़? मेरी ऑलरेडी मैंने डिज्नी हॉट स्टार के लिए भी किया हुआ है शॉर्ट फिल्म, जो कि अभी थोड़े टाइम के बाद आप लोग को देखने को मिलेगी। वो भी मेरा जो शूट था वो 4-5 months हो गए, बट रिलीजिंग का जो भी टाइम है वो शायद इस मंथ के एंड में या मे बी नेक्स्ट मंथ रिलीज है। कुछ एल्बम किससे रिलेटेड जानना चाहेंगे? सबसे पहले तो टाइटल, व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर टाइटल, सिंगर और प्रॉपर लोकेशन, ये ना क्या थीम है? करे दस्ते का मतलब होता है, करे दस्ते से पंजाबी वर्ड बेसिकली, उसका हिंदी में घर पे बता दे कि कुछ ना कुछ करेगा ये बंदा, आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा। इट इज़ अ मोटिवेशनल डांस, इट कैन बी प्लेड इन क्लब्स। आई एम श्योर अगर जैसे आप लोग सुनेंगे गाना आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। इट बेसिकली मोटिवेशनल भी है और ये डांस नंबर भी है, आप बोल सकते हैं इसको। एंड सिंगर, ये सिंगर नया है, इन्होंने हमारे साथ और 3-4 गाने भी किए हुए हैं, और जो इसके डायरेक्टर है हनी राव है, जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड तन्नु जी का ये 3rd प्रोजेक्ट है हमारे साथ में, मतलब हर साल जो 3 साल इनका हुआ है तो हर साल मेरा एक सॉन्ग सर की कॉन्ट्रैक्ट है तन्नु जी के साथ। मतलब आप जब भी कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई रोल आता है तो आप उसके पास अप्रोच करते हैं, और तन्नु व्हाई डिड यू आल्सो यू नो मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट हाँ जब सर ने कंपनी स्टार्ट की थी तो मेरे ख्याल से 3 या 4 जो भी सॉन्ग थे उसमें से एक मेरा था, है ना? हाँ जी, उसका भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तन्नु जी के साथ एसोसिएशन हैज बीन लॉन्ग एंड शी इज अ गुड फ्रेंड। और हम लोगों ने फर्स्ट सॉन्ग शायद कोविड के टाइम पे किया था, पागल ना कर दे, पागल ना कर दे।